2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल समाजवादी पार्टी ने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल रैली निकालकर शुरू कर दिया। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने और उनकी पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव ने कन्नौज जिले से साइकिल रैली को सपा की झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। साइकिल रैली को संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि विकास को रोकने वाली सरकार को अब रोकने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार कोरोना को रोकने में असफल रही। जिस तरह गंगा जी में लाशें उतरा रही थीं, अखबारों में खबर आ रही थी, उससे सब दहल गए थे। भाजपा की सरकार ने नाकामियों को छुपाने के सिवा कुछ नहीं किया, पूरे प्रदेश को अनाथ छोड़ देने का काम किया। ऐसी नकारात्मक सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े, महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया। ऐसी सरकार को अब हटाने का समय आ गया है। इस सरकार ने जाति को जाति, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाया और लोगों को बांटने का काम किया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सब लोग मिलकर इस सरकार को हटाएं, ये सरकार आपको दबाने का, कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कन्नौज समाजवादियों का गढ़ रहा है और हमेशा रहेगा, और हम समाजवादी कन्नौज कभी नहीं छोड़ेंगे। जितना विकास कार्य प्रदेश में अखिलेश यादव के समय दिखा था, उतना कभी किसी सरकार ने नहीं किया। जैसा निर्देश मिला में हमने काम किया है। आज जनेश्वर जी की जयंती है, हर साल समाजवादी पार्टी कार्यक्रम करती आई है, तो आज जैसा आदेश हुआ है वैसा किया। खास फोकस का किस चीज़ को लेकर, फोकस तो हमेशा कन्नौज ही रहा है जी। कहना चाह रहा था कि जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर आज जो कन्नौज में आपको भेजा गया, कोई ऐसा संकेत है कि ब्राह्मण मोर्चा का ध्रुवीकरण करने की योजना समाधान चुनाव? ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मण तो सदैव ही समाजवादी के साथ रहे हैं, और जिस तरह का उत्पीड़न ब्राह्मणों का ही नहीं हो रहा है, सभी जातियों का, सबका हो रहा है, सभी महिलाओं का, हमारे युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैं समझती हूँ आज एक सही अवसर था, आज जनेश्वर जी की जयंती थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमें एक भारी बदलाव देखेंगे। जैसे कि हमारी पार्टी खाली विकास के काम का हमेशा हमने साथ दिया है, और आने वाले समय पर भी हम विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों की घोषणा तो देखेंगे, अभी तो काफी टाइम है, वैसे बहुत समय है। सरकार जो कार्य कर रही है उसको, सरकार कार्य कोई कार्य नहीं कर रही, सरकार खाली एक कार्य कर रही है, खाली छुपाने का कार्य कर रही है। जो भी घटनाएं होती हैं, आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, और कन्नौज ने भी बहुत परिस्थितियों का सामना किया है। लोगों ने अपने परिजनों का खोया है, ऑक्सीजन की कमी रही है, दवाइयों की कमी रही है, कोई व्यवस्था नहीं रही है। सरकार क्यों आती है? सरकार इसलिए आती है, जनता इसलिए चुनते देश की सरकारों को कि वो जनता के लिए काम करें। और मैं समझती हूँ भाजपा इस कार्य में नाकाम साबित हुई। आपने कई विकास कार्य करने में कहा है, सभी लोग जानते हैं, इसमें इस बात चालू नहीं पाई, इस पर क्या कहेंगे, अधूरे पड़े हैं? मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकार आए, जनता के पैसे हैं, जनता का काम करते हैं, तो इन कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई राजनीतिक द्वेष के चलते कोई भी जनता का काम नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आप जनता के लिए काम, जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है, अगर आप उन्हीं के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। 2022 में कितनी सीटों का लक्ष्य लेना चाहिए? ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।